हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कस्टर्ड फूड ट्राइफल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। आप सबने कस्टर्ड ज़रूर बनाया होगा, पर इस ईद पे ये ट्राइफल ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिंपली ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाली है 1/2 लीटर मिल्क, 4 टीस्पून के अराउंड शुगर, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है, हम कस्टर्ड मिक्सचर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक बोल, और उसमें डालेंगे 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1/2 कप मिल्क, और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना हमें। कस्टर्ड मिक्स करने के लिए आप गर्म मिल्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। और यहाँ पे ये मिल्क बॉईल हो गया है, तो हम कस्टर्ड मिक्सचर डाल देंगे। तो ध्यान रखें, जब भी मिक्सचर को ऐड करें मिल्क में, आप कंटिन्यू इसे चलाते रहें, वरना कस्टर्ड में लम्ब्स पड़ जाएंगे। तो कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें जब तक कस्टर्ड अच्छे से मिक्स ना हो जाए मिल्क में। तो एक बार मिक्स हो जाए, तो हम इसे थिक करने के लिए ऐसे ही इसे चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट में कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। तो एक बार कस्टर्ड थिक हो जाए, तो हम स्टोव बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिए स्ट्रॉबेरी, लिए ग्रेप्स, लिए कीवी, बनाना, एप्पल। आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून के अराउंड हम इसमें शुगर डालेंगे। तो शुगर का पाउडर लें आप, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें हम। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड कर देंगे। अब असेंबल करेंगे हम। इसके लिए मैंने यहाँ पे केक लिया है, तो यहाँ पे मैंने स्विस रोल केक और वैनिला केक लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी केक इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रूट केक भी ले सकते हैं, चॉकलेट केक भी ले सकते हैं। उसे बेस बनाएंगे हम केक का। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी फ्रूट जूस। तो 1/2 कप इसमें फ्रूट जूस जाएगा, जिससे जो केक है वो अच्छे से मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, क्योंकि कस्टर्ड डालेंगे तो केक जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो जूस ज़रूर डालें आप इसमें। अगर जूस ना हो, आप शुगर सिरप भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे ये कस्टर्ड। तो एक लेयर हम कस्टर्ड की डाल देंगे। इस तरीके से आप डाल दें। अच्छे से हमें फैला देना है चारों तरफ। अब इस पे डालेंगे ये फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे। तो एक लेयर फ्रूट्स की हो गई। उसके बाद दोबारा से हम कस्टर्ड डालेंगे इसके ऊपर, अच्छे से पूरा स्प्रेड कर देंगे हम। फिर ये कस्टर्ड, इसे पूरा स्प्रेड कर लेना है हमें। अच्छे से स्प्रेड होने के बाद हम इसे ऊपर से लेवल कर देंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी व्हिपिंग क्रीम। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसे चिल करके ऐसे भी सर्व कर सकती हैं। और इसे इस तरीके से हम ये व्हिपिंग क्रीम से ढक देंगे पूरा। व्हिपिंग क्रीम से ये कस्टर्ड रिच हो जाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट करेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इसे बस इस तरीके से लेवल कर दें। अब इसे फ्रिज में हम रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे जो कस्टर्ड है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा कस्टर्ड रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।